हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं एस दास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग विलेजर। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में आप देखे हो कि मैं खाउसान रोड है आपको मैं घुमा दिया हूं। तो इस वीडियो में बात करते हैं बैंकॉक नाइट लाइफ की सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कड़ी में, नाना प्लाजा। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ गोल्डन जुबली मेमोरियल चौक पर, ठीक मेरे पीछे है। और यार, इस जगह को ऐसा सुंदर सजाया गया है, मैं आपको क्या बताऊं, और इतना बेहतरीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा इवेंट हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, थाईलैंड का या कोई शादी विवाह हो, कोई राजा महाराजा का। आपको दिखाता हूं मैं, देखो। खूबसूरत। तो चलिए चलते हैं बैंकॉक नाइट लाइफ की दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, नाना प्लाजा में। चलिए दोस्तों, यहाँ एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ग्रीन सिग्नल है जाने का। अगर आपको रोड पार करना है तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप क्या करोगे, वो यहाँ एक बटन है दबाने का, इसको जब आप करोगे तो कुछ सेकंड बाद में ये जो है उधर जो रेड दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, आप चल सकते हो। बाकी जो गाड़ियाँ है वो रुक जाएगी, तो मैं दबा दे रहा हूँ उसको। यार बोल रहा है कि 54 सेकंड जो है वो रुकना पड़ेगा, तो उतना टाइम तक रुकते हैं। फिर उधर सामने देखो, बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग आ रहा है। आसपास जितने भी यहाँ पास में 1 किलोमीटर है उसके दायरे में सभी जितने भी पेड़ हैं वो सबको लाइट लगा के पूरा भर दिए लाइट, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। है ना, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल बस स्टेशन, वहाँ से मैं लूँगा नाना प्लाजा के लिए बस। वो बस नंबर 2 और बस नंबर 5111, मतलब 511 नंबर, वो जाती है नाना प्लाजा। और यहाँ से जो नाना प्लाजा है वो लगभग 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर पैदल कहाँ जाऊँगा, वो भी 10 बजे रात को। दोस्तों, मैं बैठ गया हूँ बस में, यह है यहाँ का सिटी बस। कई भी प्रकार के रहते हैं सिटी बस, मतलब ये थोड़ा अच्छा है, इससे खराब वाला भी रहता है, इससे और अच्छा भी रहता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग उतर गए हैं नाना प्लाजा में, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। जो भी टूरिस्ट बैंकॉक आते हैं तो नाना प्लाजा और खाउसान रोड, ये दोनों जगह बिल्कुल जाते हैं या अधिकतर जाते हैं, समझ लीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं नाना प्लाजा की ओर। वैसे उस क्षेत्र में अभी हम लोग आ गए हैं। दोस्तों, नाना प्लाजा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जो मेन नाना प्लाजा है जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, बाकी छोटा सा स्ट्रीट है। जो नाना प्लाजा है उसी में पूरा धमाल मचा रहता है, मतलब नाइट लाइफ से या फिर जो इंजॉय वाला जितना भी चीज़ है वहाँ, वो सब वहाँ होता है। अब आप चाहे वो बियर के रूप में हो, चाहे डांस बार के रूप में हो, चाहे क्लब के रूप में हो, चाहे एक्स वाई जेड जो भी हो, यार आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ से भी आपको अब बाकी आप ले जाके जो भी अपना काम कर रहे हैं वो कर सकते हो। मेन जो पॉइंट है नाना प्लाजा का, जिसमें सब लोग अधिकतर देखते हैं, और उसका कॉम्प्लेक्स भी है नाना प्लाजा का, वो है सुकुम्भित सोई 3 और सुकुम्भित सोई 4। तो ये मेन है, लेकिन जो पूरा यहाँ से लेके उधर लगभग उधर 100-150 मीटर तक ये पूरा जो है वो नाना प्लाजा में ही आता है, और बाकी सब ऐसे घूमते रहते हैं फिर इस एरिया में। बाकी देख लो क्या करना है आपको, बड़ा रौनक है यार इस एरिया में। यहाँ से आपको जो है वो बस मिल जाएगी, मतलब मैं जिस एरिया में रुका हूँ खाउसान रोड से, तो 511 नंबर की बस और 2 नंबर की बस है वो इस एरिया पे आती है। वहाँ से आप 20-20 भाग दे के आप यहाँ आ सकते हो। खाउसान रोड से लगभग 8 किलोमीटर पड़ेगा जो है नाना प्लाजा। तो चलिए अभी चलते हैं मेन सुकुम्भित सोई 3 और सोई 4 की तरफ। यार जो इस एरिया में लड़कियों की अपेक्षा में ट्रांसजेंडर ज़्यादा दिख रहे हैं,
देखे तो ट्रांसजेंडर पूरा भर के पड़े हैं यहाँ, तो अगर आओगे तो थोड़ा सतर्क रहना भी है इस एरिया में, पता चला किसी को ले जाने के चक्कर में किसी को ले गए। जैसे आप रोड क्रॉस करोगे तो उसके बाद में फिर ये जो नाना प्लाजा है, जो एक्चुअल नाना प्लाजा है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये देख रहे हैं वो है नाना प्लाजा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है और कॉम्प्लेक्स के अंदर में है पूरा धमाल। धमाल मतलब बियर बार हो गया, डिस्को हो गया, पब हो गया, जो भी हो गया, जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो सब वहाँ आपको मिल जाएगी। और अगल बगल में भी है, इधर भी है और इधर भी है, बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। नो डाउट थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा यार, वैसे थाईलैंड में कहावत है ना, नो मनी नो हनी, तो यहाँ को अगर हनी चाहिए तो मनी खर्चा करना ही पड़ेगा, तभी आपको हनी मिल पाएगा। अगल बगल में पब्स है बस, और कुछ नहीं है यार। आपको और कुछ क्या मिलेगा बताओ यार, पब्स मिलेगा, बार मिलेगा, डिस्को मिलेगा। थोड़ा आगे तक आते हैं उधर जाके, बस ऐसे चीज़ें होती रहती हैं आपस में, डांस, पोलो डांस, लाइव शो, जो आदमी इंजॉय करना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है तो उसके लिए तो जगह बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पटाया से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पटाया में खुलापन मिलता है वो यहाँ मेरे हिसाब से तो नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, जैसे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखना बगल में कैसे बैठे हैं, वो पूरा सामने तक है पूरा। तो इस एरिया में भी इंडियन क्लब भी है भाई। एक बात और आपको बता दूं, जितने भी यहाँ क्लब है सब में एंट्री फ्री है, किसी में चार्जेस है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से है, लेकिन वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे थोड़ा पीने के लिए। अब यार वो तो उसी के ऊपर उन लोग भी टिके, तो थोड़ा प्रेशर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो दोस्तों मैं नाना प्लाजा से निकल के थोड़ा से 100 मीटर आगे आ गया हूँ, आप देखो यार कैसा क्या होता है वहाँ वीडियो में। आप मतलब नाना प्लाजा के अंदर तो नहीं देखे हो, क्योंकि वहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ ही नहीं था, बाकी जो बाहर का आपको सीन दिखाया हूँ। नाना प्लाजा में है कुछ नहीं, जो मतलब डांस, अब मतलब बियर बार डांस वांस क्लब पब में क्या होता है, बस सेम चीज़ वही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये है कि पोलो डांस जो है वहाँ अंदर पोलो डांस चलता है, मतलब इंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं, जो हद है लास्ट तक, वहाँ तक का सब होता है। तो आप समझ लेना कि क्या क्या हो सकता है वहाँ मतलब अंदर में, और सिक्योरिटी टाइट है इस कारण से फ़ोटो लिया नहीं हूँ मैं, तो आप अंदर का वीडियो देखे नहीं हो। एक चीज़ और बताना है कि थोड़ा सा अगर आप अंदर जाओ तो पैसा वैसा का ख्याल रखना अंदर में, एकदम ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा उत्तेजना के चक्कर में वो पैसा आपका ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा से पेशेंस रखना पे पास में, और जो भी करना लिमिट से करना, एकदम पता चला यहाँ आए और सब इसी में घुसा दे कोई मतलब नहीं है भाई। तो थोड़ा पेशेंस से करना हो, समझदारी के साथ में करना हो, थोड़ा हिसाब से करना, घूमने आओ मेरे, एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं आप यकीन नहीं मानोगे मैं सब चीज़ में मेरा ज़्यादा उतना पैसा जाता नहीं, मेरा जो पैसा जाता है घूमने उमने में या कहीं एक्सप्लोर करता हूँ कहीं और जाने का है, तो ये सब चीज़ में होता है खर्चा, बाकी और कोई खर्चा है नहीं, थोड़ा बहुत खाने में होता है, और सबसे ज़्यादा जो आपका बजट इसी में ही गड़बड़ाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ जो है लड़कियाँ की भेस में ट्रांसजेंडर रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में, तो उस चीज़ को देखना, पता चला कि उसके चक्कर में बड़े वालों को ले गए आप। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।